बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रांची में आयोजित जनाक्रोश रैली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड की तमाम विपक्ष की पार्टियों को एकजुट होने की अपील की। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को हरमू मैदान में राजद की जनाक्रोश रैली में तेजस्वी यादव ने भाजपा भगाओ झारखंड बचाओ का नारा दिया। तेजस्वी ने कहा कि इस डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा अपराध का है। तेजस्वी ने कहा कि लालू की लोकप्रियता देख भाजपा ने पहले उसे फंसाया, अब परिवार पर मुकदमा कर रही है। इसके बावजूद ना तो लालू झुकेंगे और ना ही तेजस्वी। उन्होंने यह भी कहा कि रघुवर सरकार के इशारे पर उन्हें जेल में बंद अपने पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये जेल मैनुअल में है, विशेष परिस्थिति में लालू जी से हमको मुलाकात करने दिया जा सकता है, क्योंकि हम उनके बेटे हैं और उनकी हालात जो है आप सब लोग जानते हैं कि मात्र 30% जो है उनका किडनी काम कर रहा है, और हम लोग डेली डेली तो नहीं आते, लेकिन लगातार आज हमको जो खबर मिला, जेल प्रशासन के लोग कहते हैं कि आप रघुवर दास जी से एक बार कहलवा दीजिए, अनुमति दिलवा दीजिए। अब आप समझिए, यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमको अपने पिता से मिलने के लिए रघुवर दास जी से अनुमति देनी पड़ेगी? आप बताइए, हाथ उठा के बताइए। तो हमको आप लोग सब जानते हैं, बड़ा भारी साजिश हो रहा है। रघुवर दास जी पता नहीं कौन से चिंतन में रहते हैं, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन ये जो स्थिति है, एक पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से लगातार हमारे पिता आप लोगों के नेता को तंग किया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। या तो समझौता करो, नहीं तो अंजाम भुगतो। लेकिन ये लोग जानते नहीं, हमारे पिता हमारे पलटू चाचा जैसे नहीं है, ना कोई विचार, ना कोई सिद्धांत, ना कोई नीति, बस खाली पलटी मारना है, कुर्सी के चक्कर में रहना, जनता को छोड़ दिया। तो हम लोग, हमारे पिता, इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने भाजपा के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाया, बल्कि लड़ाई लड़ने का काम किया। आज देखिए, ये रघुवर दास जी, भाजपा के लोग चाहे कोई साजिश रच लो, कितना भी सत्ता का फायदा उठा करके सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर लो, लेकिन तुम लोगों के गीदड़ भपकी से लालू यादव डरने वाला नहीं, लालू यादव शेर है। इनके अपील करना चाहेंगे कि आने वाला चुनाव है, झारखंड का विधानसभा का चुनाव है, आप सब लोग एकजुट हो जाइए। आप लोगों ने बहुत मौका दिया, झारखंड के लोगों ने भाजपा की सरकार को, 19 साल हो गए बिहार को बटते हुए, झारखंड से अलग होते हुए, 19 साल में से 16 साल अगर किसी ने राज किया है तो भाजपा के लोगों ने राज किया। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, और आजकल रघुवर दास जी का हम सुनते रहते हैं बयान, डबल इंजन, डबल इंजन। रघुवर दास जी, अगर आपका डबल इंजन काम कर रहा होता तो आप चलते चलते ये नहीं बोलते कि झारखंड गरीब है, झारखंड गरीब है। अगर झारखंड गरीब है तो केवल केवल दोषी भाजपा है, क्योंकि 16 साल राज भाजपा के लोगों ने यहां किया है। जल, जंगल, जमीन की लड़ाई छोड़ करके सारी संपत्ति जो भी यहां मिलता था वो सारा पूंजीपति को दे दिया गया है। पूंजीपतियों की सरकार, आदिवासी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आज देखिएगा, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में। बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता, और हर जगह बहन बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या क्या खबरें अभी हाल में रांची की राजधानी में आप देखिएगा,
जो व्यवसायी है ज्वेलरी शॉप में घुस करके गोली मार दिया जाता है। दिन पर दिन घटनाएं होती है, गोली तो ऐसे चल रहा है जैसे कि यहां सरकार नहीं अपराधियों का सरकार है, खुलेआम चलाया जा रहा। सुनते थे कि अपराधियों का एनकाउंटर होता है, आजकल तो यहां पुलिस वालों का एनकाउंटर हो रहा है। ये स्थिति बनी हुई है पूरी तरीके से। झारखंड में अपराधियों का बोलबाला है। ये लोग जंगल राज चलाने वाले, सही मायने में झारखंड में जंगल राज है। और काम के बारे में हम क्या बताएं, इनके एनडीए के पार्टनर हमारे पलटू चाचा आए थे रांची, क्या कह रहे थे, बीजेपी ने बड़ा नुकसान कर दिया, कोई काम नहीं किया। जब उनके ही सहयोगी दल ये मान रहे कि कोई काम नहीं किया तो हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं। और रघुवर दास खुद ये बात को समझते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई योजना सफल नहीं रहा, क्योंकि अगर कोई योजना सफल होता तो रघुवर दास जी को लेख लिखवाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। यहां बड़े पत्रकार लोग हैं, सब जानते हैं, अगर योजना सफल होता, झारखंड की जनता के लिए काम होता तो जनता बोलती। ये रघुवर दास जी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया पीआरडी डिपार्टमेंट से, क्या बोला गया कि जो भी पत्रकार है सरकारी योजनाओं के बारे में अच्छा लेख लिखेगा तो उसको सरकार जो है 20 से 25,000 रुपए देगी। आप बताइए, रघुवर दास जी को लगता है कि पत्रकार लोग हैं वो बिकाऊ हैं। माफ कीजिएगा, पत्रकार लोग बिकाऊ नहीं, टिकाऊ हैं। और ये स्तंभ चौथा स्तंभ है, योजना कैसा होता तो ज्यादा बेहतर होता। वहीं रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने सूबे से भाजपा का सफाया करने को लेकर झारखंड की विपक्ष की तमाम पार्टियों से एकजुट होकर महागठबंधन के तर्ज पर विधानसभा चुनाव में उतरने की अपील की। इंटरनल जो सर्वे हुआ है, इन लोगों को खबर पहुंच गया कि झारखंड में इनकी स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, हम सभी पार्टी जितने महागठबंधन के हम लोग पक्षधर हैं, एक मंच पे सभी लोगों को आना चाहिए। और ये ना हो, हम लोगों से थोड़ी सी चूक नहीं होनी चाहिए, जो पिछले चुनाव में विधानसभा में हम लोग जो अलग अलग मिलकर के लड़े, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ, वो फायदा हम लोगों को बीजेपी के लोगों को नहीं देना है। इस बार झारखंड की जनता के लिए, झारखंड के विकास के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, गरीब के लिए, हम सब लोगों को एकजुट रह करके गरीब के प्रति जो है, आप लोग सब लोग मिलकर रहिए। हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे और बीजेपी को धूल चटाने का काम करेंगे। एकता की, विकास की तो भाजपा वाले लोग बात करते हैं, विनाश की, टकरार की, जहर बोने की, भाई को भाई से लड़ाने की, इस काम में वो लोग लगे हुए हैं। क्या एजेंडा है आज हम लोग देखते हैं, चर्चा होती नहीं है गरीबी मिटाने की, रोजगार दिलाने की। 40 साल बाद जो है इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, ये लोगों को जानना चाहिए, ये है मुद्दा। लेकिन बीजेपी के लिए क्या मुद्दा है, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, इमरान खान, कश्मीर, यही सारी चीजें हैं, ये मुद्दा। माफ कीजिएगा, जो लोग बांटना चाहते हैं ध्यान। बहरहाल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी का कितना बेहतर परफॉर्मेंस हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शशिकांत हांडा के साथ सुजीत कुमार, मिरर मीडिया, रांची। झारखंड के सभी शहरों में चावला दिल्ली वाला भेज एंड नॉन भेज रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइजी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें।